पर इसको ऐसे देखिए, इधर ध्यान दें सभी, इधर ध्यान दें, वहां पर इसी तरह से रहेगा, इसी सिचुएशन में आप रहोगे। जैसे मान लो आप रात भर जगोगे, वार्म अप करोगे, फिर अंदर जाओगे, आपकी इतनी थकान रहेगी। इस थकान में आपको कैसे इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस लाना है, आप पर डिपेंड करता है। ये हो सकता है सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही आप भाग सकते हो, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जिसका सपोर्ट आप लेना चाह रहे हैं वो आपसे भी कमजोर हो, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको पूरा रनिंग अपनी कॉन्फिडेंस से भागना है। खास तौर से जब पूरी तरह से थक जाएं, अपनी टेक्निक को बार बार याद करें, अपनी टेक्निक को याद करें और अंदर से कॉन्फिडेंस जगाएं। यार हमारे घर वाले क्या सोच के बैठे हैं, हमारा वहां टाइम इतना आया था, क्या हमारा यहाँ पर यही टाइम आएगा, ये सोच के। उदाहरण के लिए मैं दो बंदे खड़े हो जाइए, वहां पर इस तरह की लेजर लाइट रहे, मॉल वगैरह में फैक्ट्री कंपनी के तो चेक किया जाता है, तो इस तरह की लाइट रहेगी, लाइट रहेगी, लेजर लाइट आपको नहीं दिखेगी ब्लू कलर की। जब आप इसको यहां से क्रॉस करेंगे, जब यहां से क्रॉस करेंगे तभी आपकी घड़ी चालू होगी। जब यहां पर आप आगे निकलेंगे तभी घड़ी चालू होगी। एक आवाज आती है, टिक-टिक की आवाज आती है, वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। ये लाइन के जैसे रहेगा, इसी तरह से लेजर लाइट चलती है, यहाँ पर क्रॉस करेंगे तभी आपकी चालू होगी। और जब वापस फिनिश करोगे और जब इसको क्रॉस करोगे तभी आपकी घड़ी का टाइम कैलकुलेशन होगा कि आप कितने में दौड़े हैं। इस तरह से आपको खुद से दौड़ना है। एक उदाहरण के लिए इस तरह से खड़े कर देंगे, पीछे दस बंदे, दो चार बंदे और खड़े हो जाओ, गोरखा के पीछे, उसके भी पीछे, उस सेम इसी तरह से वहां रखेंगे। इसको आप लोग नहीं पहचानते कौन है, क्या टाइम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, नहीं पहचानते। इसके पीछे बंदा है, चलिए स्टार्ट देते हैं। मान लीजिए ये जब वहां पहुंच जाएगा, सेंसर को क्रॉस कर लेगा, तभी दूसरा बंदा जाएगा। वहां पर यही रहेगा कि एक सेंसर को जैसे क्रॉस करेगा तभी दूसरा बंदा निकलेगा, इनके लिए है। उसके बाद तत्काल जैसे क्रॉस करेंगे, सीटी बजाएंगे, तब आप जाएंगे, न कि अपने मन से। रेडी, अब ये समझिए कि आगे वाला बंदा कमजोर है, मान लीजिए कि आगे वाला बंदा कमजोर है, आप उसका सपोर्ट लेकर दौड़े शुरू में कि हम उसको काटेंगे, हराएंगे। अब वो कट गया, अब आपके पास कौन सा सपोर्ट है। मान लीजिए कि आकाशपंथी आगे निकल गया है उसके, अब उसके पास कौन सा सपोर्ट है। उसी समय आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको अपना स्टेप खुद से आंकना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ये मान लीजिए आगे अच्छा दौड़ने वाला है, अब पीछे कमजोर दौड़ने वाला है। चलो रेडी, आपके लिए अब ये तो वो निकल गया 200 मीटर पे, ऐसा भी होगा कि उसको पकड़ने के चक्कर में ये 400 मीटर में ही थक सकता है। ये भी आपको चालाकी रखना है कि अपनी पेस को उस तरह से मेंटेन करें, उसको पकड़ने के चक्कर में
आप पूरी तरह से टूट न जाए और लास्ट के 400 मीटर आपका पैर जाम हो जाए, ये हो सकता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस अपनी चालाकी से ही करेंगे और जैसे वापस लौटोगे, लौट के जैसे आप इसको क्रॉस करोगे लाइन को, सेंसर लाइट जो दिख रही है, तभी आपका कैलकुलेशन होगा, तभी आपका टाइम नोट होगा। सोचो कि हम एक कदम पहले फिनिश लाइन के पहले हम स्लो हो जाए तो जब तक उस लेजर लाइट के अंदर नहीं जाएंगे तो आपकी घड़ी लेजर लाइट से फिट रहेगी, आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा दौड़ने का, इसका ध्यान रखिएगा। अभी तक जो प्रैक्टिस करने आए सपोर्ट लेकर करें, भीड़ को लेकर करें, मगर अब सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई और इसमें क्वेश्चन? समझ गए सभी? चलिए लड़कियों का ले लेते हैं दो ट्रायल, कहाँ है लड़कियां? यहाँ खड़े रहेंगे, 10-10, 15-15 का बैच बन के आएगा, जैसे वहां निकलेंगे घड़ी काउंट वहां से होगी, घड़ी काउंट वहां से होगी, चाहे आप जिस तरह से यहां से स्लो जाएं चाहे फास्ट जाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं। आप यहां से पैदल भी जाएं, वो निकल गया है, क्योंकि आपका वहां इंडिविजुअल टाइम लिया जाएगा। वहां आपको इस चीज को ध्यान देना है कि हमें अगर तेज दौड़ रहा है तो कैसे कवर करना है, स्लो दौड़ रहा तो आप आगे आगे कैसे दौड़ेंगे, आपको बताऊं कैसे करना है। अगर आपको आगे तेज दौड़ने वाला निकल गया, तेज दौड़ रहा आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, आपको अंदर से हो गया है कि आज हम इसको पकड़ लेंगे तो हमारा पैर जाम हो जाएगा, हम फिनिश तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस समय अपने आप को जगाइएगा। कितना भी अच्छा क्यों ना प्लेयर हो, कितना भी अच्छा क्यों ना प्लेयर हो, चाहे जेटलिन जस्टिस चाहे उसेन बोल्ट भी क्यों ना हो, एक दिन उसेन बोल्ट जी को मैं जस्टिस जी ने हराया था, एक 22 साल का उम्र वाले को एक 36 साल का उम्र वाला हराया था, ये कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आज हम जो दौड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस से दौड़ेंगे। आज मेरा दिन है, मेरे माता पिता आज के दिन के लिए इतना त्याग करे हैं 13 महीने से, उस दिन शेर बन जाइए, बब्बर शेर बन जाइएगा, कॉन्फिडेंस मत खोइएगा, भले ना पकड़ पाए आगे वाले को, नजर उस पर रखिएगा कि चल लास्ट में तेरे को हम उड़ाएंगे, एक नजर बना के रखिएगा और लास्ट तक उसको कोशिश करिएगा कि हम इसको हराएंगे। आप थक जाना हार जाना, अपनी टेक्निक को याद करते रहना कि हम क्यों थक रहे हैं, क्या कारण है, हो सकता है हमारा हाथ चलना कम हो गया हो, अपर बॉडी ब्लॉक हो गई हो सकता है कि हम अपनी रेस दौड़ रहे हो, हम आगे की ओर बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में कमी है, हमारा पंजा बाहर की ओर जा रहा दौड़ते समय, हम थके हारे दौड़ रहे हैं, इन सब चीजों को याद करना है और फिर आपको दौड़ना है, ठीक है। लड़कियों का उदाहरण दूसरा दे रहे हैं लड़कियों का, एक आगे अच्छे दौड़ने वाले, इसके सामने आइए आप, आइए, हाँ एक अच्छा दौड़ने वाला है, आप क्या करेंगे, कमजोर दौड़ने वाला है, तुम इसके पीछे आओ, हाँ चलिए रेडी दौड़ते जाना है, मैं बोला हूं क्या, अभी उसको पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, आगे वाला अकेला दौड़ रहा, दौड़ेंगे कि कैलकुलेशन करते हुए कि हमारा एक भी स्टेप बिगड़े ना, गिनती नहीं करना है, हर स्टेप पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सेकंड की चूक आपको अगर स्टेप टूटा तो 5 स्टेप लगेंगे सुधारने में और 5 स्टेप स्पीड में आने में लगेगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आगे चला, खड़े हो जाओ आप भी खड़े हो जाओ, चला एक आके रुक जाता है, रुक गया,
किसी कारणवश रुक गया। कई सिचुएशन आएगी आपके सामने, हो सकता है यहीं गिर जाए, हो सकता है आधे में। मेरे कुल मिला के कहने का मतलब, अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस करते आए हैं, ट्रायल देते आए हैं, सपोर्ट लेकर करते आए हैं, लास्ट के फिनिशिंग में ओपी सर चिल्ला रहे हैं या फिर आपका साथी खिंचवा रहा, वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करिएगा। अब जो प्रैक्टिस करें, अब फिनिश लाइन 200 मीटर आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा पहले से ही खड़े होकर के, कि अब यहाँ पर वहां से 200 मीटर होगा, लास्ट के 200 मीटर हम वहां से खड़े फिनिश करेंगे, और नीम के पेड़ से, जय हो नीम बाबा की, आज मैं वहां से फिनिश डालूंगा, पहले से ही मूल्यांकन कर लीजिए। वो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ से चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फिनिश डालेंगे। वहां मुट्ठी को कस के बंद करना है, जबड़े को दबाना है, अंदर के शेर को जगाना है, और डाल दीजिए फिनिश। सिर्फ दो कदम उछालिए बॉडी को, आपके अंदर एक कंपन सी आएगी, आपके अंदर एक झंझनाहट से आएगी। वो कौन सी कंपन है, झंझनाहट है, वो आपके माता पिता जो बैठे हुए हैं मंदिर में, आपके लिए उपवास रखे हैं, जो आपके लिए त्याग करे हैं, वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी आपके अंदर आएगी। और आप जितनी रेस जिस स्पीड से आप दौड़े नहीं है 600 मीटर तक, उससे भी डबल स्पीड आएगी आपकी लास्ट के 200 मीटर पे। ये आपको जगाना पड़ेगा, जगेगा नहीं क्योंकि 600 मीटर पूरी तरह से, ठीक है ना, तो आपको अंदर से जगाना है। स्टार्ट, पेस, फिनिश, ये तीनों पर आपको रखना है। यहां पर खड़े होंगे पैसे ना खड़े हो सुस्त, उछलते रहे, हाँ डर लग रही, मेरे को भी कंप रहा हूं मैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठोकते रहिए ताल, हाँ साला जो कुछ भी अगल बगल वाला भी डर जाए कि कौन आ गया साला, चाहे भले पीछे हो जाए शुरू में, मगर इस तरह से मेरे बोलने का मतलब है, आप अपने बॉडी को जनरेट करिए, एक्टिव करिए, आप सुस्त न रहिए, सुस्त रहेंगे आपका परफॉर्मेंस वैसे जाएगा, पहले इसको जनरेट करिए, जगाइए अंदर से, है जो भी हो जाए देखेंगे, हाँ हाँ जो भी है, गले को खखारो खा लीजिए, हो सकता है कि गले में खखार जमी हो, सर्दी हो, जो भी है निकाल के थूक उक दीजिए, हाँ जो भी है, ठोक ठाक के यहाँ से खड़े होना, जैसे अभी आप खड़े होगे 2 मिनट बाद, चलिए हटा दीजिए।